याद होगा रो रो कॉलम मैचमेन के अकॉर्डिंग उसमें क्या था सीरीज का एक्सप्लेन कर दो ना थोड़ा से जी क्या हुआ सर उसी को एक्सप्लेन कर दो। हाँ तो उसी को एक्सप्लेन उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो असाइनमेंट कल दिए थे ना। हाँ तो उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं ध्यान से देखिए आप लोग उसी में बता देते हैं कैसे बनेगा जैसे कि नेम था उसका पहले आउटपुट और इनपुट दोनों आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे दिखा दे रहा सबको कि असाइनमेंट अच्छे से दिए थे कि फर्स्ट नेम था फिर लास्ट नेम था नेम में था फर्स्ट नेम यहां पर लास्ट नेम था फिर इसके बाद था यहाँ पर कम्युनिकेशन लिखे हुए थे अब कम्युनिकेशन में यहाँ पर ईमेल आईडी था और कॉन्टेक्ट नंबर था जैसे बोले थे कि इस टैब के टेबल डाटा को बनाना था ये जो टेबल है इस टेबल के अकॉर्डिंग डाटा को बनाना था इसमें रिकॉर्ड करना था सबसे पहले जो था यहाँ पे क्या था दो रो जो हो रहा था वो दो रो मिलकर एक रो बन रहा था जिसे इसमें दो रो है वो रो को मिला रहे हैं पैरा सेल में फिर यहाँ पर दो कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बना फिर सेकेंड रो में सीधा टेबल को क्रिएट करना था कोडिंग जो करेंगे वो कैसे करेंगे वो एक देख लो सब देख लो सबसे पहले लिखते हैं हम कोविड टेबल बनाने के लिए एचटीएमएल के अंदर में जब बनाना होगा तो वो लिखते हैं हेड के अंदर में जाता है टाइटल यहाँ पेज का टाइटल जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लिखना है टाइटल में यहाँ पे लिखना है तो फिर एग्जांपल को क्या करेंगे टाइटल को क्लोज करेंगे टाइटल क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज करते हैं हेड के बाद बॉडी को ओपन करते हैं लास्ट में बॉडी को क्या करते हैं क्लोज करते हैं बॉडी को क्लोज करने के बाद सबसे लास्ट में एचटीएमएल को क्लोज करते हैं ये जो होता है जनरल भी टेबल पर भी टेबल पर पेज पर भी उसकी बात करने से नेसेसरी होता है लिखने के लिए आप जो है कि हम इसमें बता दें कि टेबल बनाना है टेबल के लिए यूज जो टैग करते हैं कौन सा टैग करते हैं टेबल टैग यूज करते हैं यहां पर क्या लिखेंगे टेबल के अंदर में आता है पीआर टैग का यूज करते हैं टैग को कैप्चर या स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है कैप्टन में चाहे तो कैप्टन में लिख ले या स्मॉल में चाहे तो स्मॉल में लिख ले
जैसे कि फर्स्ट रो मेरा क्रिएट करना था, जबकि ये एग्जांपल था, इसमें फर्स्ट रो में क्या सीरियल नंबर नेम और उसके बाद कम्युनिकेशन, सीरियल नंबर जो है वो दो दो में जा रहा है, यहाँ पे डाटा डालेंगे टी आर के अंदर में जो डालेंगे, मतलब उसको हेडिंग अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे टी एस, फिर यहाँ पर लिखेंगे रो स्पेन, रो स्पेन, रो स्पेन, ये कितने रो को मिलकर बने, दो रो को मिलकर बने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रो स्पेन, रो स्पेन, फिर यहाँ पर डाटा डालेंगे, जैसे कि हमको के अंदर में फिर करना था क्या सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, इधर टी एच को क्रोच किए, फिर नेक्स्ट टी एच लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इधर टी एच, टी एच, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या दो कॉलम को मिलकर एक कॉलम बन रहा है, नेम बन रहा है, नेम नेम को जो जा रहा है वो जो जा रहा है दो कॉलम मिलकर एक कॉलम पर काम कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक, फर्स्ट नेम आर, लास्ट नेम, लास्ट नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलकर बना नेम, बना नेम दिखा दे रहा तुम लोगों को, दिखा दे रहा तुम लोगों को, हम यस सर, यस सर, तो यहाँ पर जो करेंगे तो करेंगे अकॉर्डिंग करेंगे कोर स्पेन के, कोर स्पेन के फोर एच पेन, फोर एच पेन, जीरो टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे, टू कर देंगे, देख इसमें लिखना था नेम, यहाँ पर नेम लिख देंगे, नेम लिख देंगे, फिर सरेश, सरेश, टीएस को क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, फिर इसी तरह, फिर इसी तरह क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे टीएस, फिर फोर एच पेन, फोर एच पेन, इसका टू, इसका टू, फिर दो कॉलम मिलकर बन रहा है, बन रहा है, यहाँ पर क्या था कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन था, फिर टीएच को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, टीएच को क्लोज करने के बाद फिर क्या करेंगे, टीआर को, टीआर को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ तक मेरा एक मेरा बनकर तैयार हो गया, एक रूम में यहाँ पर दो स्पेन होगा, दो स्पेन होगा, दो रूम में जाएगा, दो कॉलम, दो कॉलम मिलकर एक कॉलम बनेगा, और यहाँ पर, और यहाँ पर दो कॉलम मिलकर एक कॉलम, सर आपने टीएच क्लोज कर दिया, आपने टीएच को क्लोज, यहाँ पर टीआर क्लोज हुआ, सॉरी सॉरी, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे नेक्स्ट, टीआर को, टीआर को, टीआर को ओपन करेंगे दूसरा रूम बनाने के लिए, फिर इसी तरह अंदर में हमको नाम डालना था हेडिंग के लिए, टीएच, टीएच, पीएच के अंदर में क्या डालना था, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, इधर टीएच को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, पीसी के अंदर, पीसी के अंदर डालना टीएच, डालना टीएच, लास्ट नेम, लास्ट नेम, टीएच को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर इसी तरह टी एच, टी एच, टी एच के बाद क्या था, क्या था, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी था, मतलब दूसरा रूम में जाने के क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट ईमेल आईडी, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ पे जो डालेंगे तो क्या डालेंगे, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, फिर टी एच को इसी तरह क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर टी एच, टी एच, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, सरेश टी एच, टी एच को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, लास्ट में टी आर को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सरेश टेबल, टेबल, टेबल तुम बन गया, लेकिन बॉर्डर नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेबल का आउटपुट अगर आएगा, अगर हम सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं, आउटपुट दिखाते हैं, तो आउटपुट में क्या होगा, वो लाइनिंग नहीं, लाइनिंग नहीं आएगा, क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सेव कर इसको, डॉट एस टी एम एल के नाम से कर दिए, सेव हो गया, हो गया, अब देख इसको सेव कर दिए थे एस टी एम एल के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो रन के बाद,
आउटपुट जो आ रहा है आउटपुट आ रहा है इसमें बोर्डर आ रहा है सीरियल नंबर नेम इसमें बोर्डर नहीं आ रहा है। हम चाहते क्या इसका बॉर्डर भी आए। देखो इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है हम क्या चाहते क्या बॉर्डर आए तो बॉर्डर डालने के लिए क्या कर देंगे बॉर्डर आ जाए यहाँ पर जो टेबल लिखे हैं टेबल में यहाँ पर क्या करेंगे बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर टू कर देंगे सेव हो गया अब इसके बॉर्डर करते नंबर जो होगा दो रो में मीटर हो रहा है दिखाई दे रहा है फिर नेम जहाँ पर है वो दो कॉर्न में मिल कर आया फिर से कम्युनिकेशन है दो कॉर्न में आ रहा है। अब नेक्स्ट इसी तरह इसमें आर भी रिकॉर्ड डालना होगा क्या करेंगे यहाँ पर टीआर के अंदर में सबसे फिर टीआर ओपन करेंगे टीडी जैसे कि सर्वे पैक वन वन सरेश टीडी टीडी को क्लोज करेंगे हम चाहेंगे तो इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ टी आर नीचे अंदर में वो एक लाइन में भी लिख के या नीचे में लिखे उसे कोई मतलब फर्क नहीं होता है इसमें चाहेंगे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं टीडी फिर क्या था नाम था फिर सरेश टी डी फिर लास्ट नेम लास्ट नेम के फिर टी डी यू डी करेंगे इसे फिर टी डी करेंगे अब ईमेल आईडी डालना है ईमेल आईडी के लिए कुछ भी डाल देंगे फिर सरेश टीडी फिर टीडी को ओपन करेंगे अब कॉन्टैक्ट नंबर फिर सरेश क्या करेंगे टीडी टीडी को क्लोज कर देंगे ये जो एक लाइन में लिखे टीडी इसी चीज को हम चाहेंगे तो नीचे लिख के भी लिख सकते हैं क्लोज करने के बाद इसको आप रन करवाएंगे शेप पर ये तो आ रहा है इसमें हो गया सुपर रिकॉर्ड आ गया यस सर। इसमें एक चीज गौर से देखो जैसे कि पैरा हम रो बना रहे हैं पैरा रो टीआर के अंदर कितना डाल रहे हैं मतलब टीएच सर पे क्या कर रो स्पेन करके डाले रियल नंबर यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है मतलब आउटपुट जो आया कैसे दो मीटर आ गया फिर उसी तरह हम कोडिंग किए कोर स्पेन नेम यहाँ पर दो मीटर का एक रूम बन रहा है फिर की तरह हम कोरेस्पेन किए टू कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो कॉर्न बना इसके बाद में हम फिर दूसरा रो बना रहे हैं चार इसे डाल रहे हैं पैरा रूम ये हो गया लेकिन इसके बाद इसमें नाम जो दिख रहा है एक दो तीन ये चार अकॉर्डिंग अब फिर पांचवा जो रो डाल रहे हैं तीसरा रो इसमें कितना डाट डाले पांच डाट डाले फिर क्या डाले नेम डाले नेम के बाद लास्ट नेम डाले फिर ईमेल आईडी डाले और कॉन्टेक्ट नंबर डाले रिपोर्ट जो हो रहा है पांच जा रहा है सबसे पहले तीन फिर चार फिर पांच जिसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह स्ट्रक्चर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा इसी तरह आर भी इसमें अगर रिकॉर्ड को डालना होगा तो फिर कर सकते हैं एक डाटा और डाल के दिखा दो तौसीफ
फिर यहाँ पर क्या करेंगे चित्र, पीआर के अंदर में कुछ डाल डालना होगा, पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करके बता दो थोड़ा, कि किसी अगर सेल का कलर चेंज करना हो या हाँ सर वो सब पहले वो बता देंगे, पहले ये रिकॉर्ड डार्क बता देते हैं। हाँ एक रिकॉर्ड और डाल दो। हाँ इसे टीडी डाल दिए, जैसे कि आप यहाँ पर सीरियल नंबर टू या कुछ भी नंबर डालना होगा तो नंबर डाल देंगे। सरेश टीडी नाम डालना होगा। टीडी कोडिंग करने के बाद डाटा ये देखो दूसरा जो भी आ गया आपका डाटा। इसमें कोई दिक्कत नो सर। आप जैसे कि हम ये नाम सब डाल दिए, हम चाहते हैं इसका पार्टी प्रोजेक्ट वन हो गया या टू हो गया, तो ये शेर के साइड में है, इसके बीच में से डाटा हो शेर जो है बीच में हो, उसके लिए यूज करेंगे एलाइन का यूज करेंगे। अगर हमको सिर्फ लोग एक शेर के बीच से डाटा को करना है तो टीडी के अंदर में डालेंगे, इसमें अंदर टीडी के अंदर लिखेंगे एलाइन इसका टू डबल कोट में सेंटर। यहाँ पर देखो जहाँ पर पूरी के हुए हैं, मतलब ये आउटपुट आया दो रिके हुए डाटा काम आ गया। यस सर। इसी तरह का हम एक शेर को सिर्फ फर्क करना रहता, फिर हम क्या यूज करते हैं बीजी करा, जैसे कि हमको बैकग्राउंड करना है इसका टू सपोज आज हमको इसको ग्रीन करना है यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन सेव कर देंगे। अब यहाँ पर सेव करने के बाद पेज कर लेते हैं। आ गया टू में ग्रीन कलर। यस सर टू इसका कोडिंग पर लेना देना, कोडिंग पर ले लो तो फिर आगे बताते हैं। हो गया। आगे बताएं। स्क्रीन छोटे रिकॉर्डिंग का। यस सर।
अभी तक बता दे कि एक रो के कोड मतलब एक रो में ही बता एक रो भर के बता के कलर करना करना हम चाहते हैं कि एक रो में के डाटा के डाटा का हो कलर हो जहां एक रो का पूरे कलर करना है इसके अंदर में डालेंगे टीआर के अंदर में डालेंगे जे कि टीआर टीआर के अंदर डालेंगे बीजी कलर 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 इसका टू अगर हम चाहते हैं रोकर कैसे हो येलो हो येलो हो बिजी कलर उसको येलो कर डालेंगे डोरे सेव देंगे कर देंगे आप पूरी फेस करेंगे फेस करेंगे नंबर 2 नंबर 2 कैसा हो गया येलो आ गया येलो आ गया जब एक जब एक रो में कलर डालना होगा तो वो कलर कैसे करेंगे टीआर के अंदर भी डालेंगे या हमको पूरे रोके डाटा को सेंटर में करना होगा टीआर के अंदर में रैम का भी सेंटर भी डाल सकते हैं यहां तक समझ में आया समझ में आया अब हम चाहते हैं कि जो टेबल है वो टेबल का पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए जैसे कि मेरा ये टेबल था ये मेरा टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर चाहते हैं कैसे वो चेंज हो जाए मतलब पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं जहां टेबल लिखते हैं टेबल जहां लिखे हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे बीजी कलर लिखेंगे टेबल के अंदर में लिखेंगे बीजी कलर इसका टू जैसे कि हम चाहते हैं इसका कलर कैसा हो ब्लू हो टेबल का पूरा कलर आ गया कलर आ गया चेन जी सर बैकग्राउंड का कलर तो पता ही होगा सर आप इसी चीज में हम चाहते हैं कि नहीं देखिए हम फॉन्ट का जो कलर है मतलब हम फॉन्ट लिखे हुए हैं वो कैसा हो पूरे टेबल चेंज हो जाए इसके लिए यूज कर लेते हैं एक काम पूरे टेबल पर पूरे पेज का कलर फॉन्ट चेंज करना हो उसकी बॉडी के अंदर में लिखेंगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि यहां बॉडी टेक्स्ट लिखी है तो इसके अंदर हम देखिए टेक्स्ट इसका टू कलर का नाम देखिए हमको कलर डालते हैं टेक्स्ट कैसे हो व्हाइट में हो टेक्स्ट कलर आगे प्रचेंज एक साथ ही जो टेक्स्ट कलर करना होगा तो हम यहां टेक्स्ट का बॉडी के अंदर में लिख कर देंगे पूरे पेज के अकॉर्डिंग होगा अगर हम इसमें कलर नहीं करते तो हम टेबल में कलर नहीं करते 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 हम टेबल में कलर नहीं करते
पर हटा देते हैं। कुछ दिखा नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन डाटा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डाटा कहने दिख रहा है, डाटा का जो कलर है वाइट है, वाइट है, वाइट है टेबल बैकग्राउंड पर, वाइट पर, वाइट में वाइट दिखा नहीं, कि तो भी जो कलर होगा, कलर होगा उस कलर के अकॉर्डिंग हम नहीं डाल सकते हैं। यहां पर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में बीजी कलर डाल सकते हैं, अगर डालते बीजी का पूरे टेबल के लिए, टेबल के लिए और पूरे पेज के हम बीजी कलर डालते हैं, बीजी कलर इसका टू का टू तब ये वाइट जो है क्या होगा, क्या होगा दिखेगा, दिखेगा
यहाँ तक समझ में यहाँ आया? तक समझ में आया? यस सर। सर एक बार वो बता देना बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड का यहाँ तक क्लियर। इसका भी इतना है तू बॉडी में कर डालते हैं बिजी करा या पूरे टेस्ट का कर डालते हैं तू किने लिखते हैं बॉडी में क्या अंदर में टेस्ट इसको आते कर का नाम आप इसी टेबल का जो रैंक के को टेबल जो मेरा जहाँ शुरू हो रहा था हम चाहते हैं कि टेबल जो वो सेंटर में हो। तो जहाँ पर टेबल टैग लिखे हैं इसमें क्या लिखेंगे? अलाइन टू सेंटर कर देंगे। तो मेरा जो टेबल कहाँ से जाएगा? सेंटर से होगा। यहाँ तक क्लियर। यस सर। इसमें ऐसा भी क्या हुआ सर? कह रहे हैं किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो कि रो स्पैन कैसे हो रहा है, कॉल स्पैन कैसे हो रहा है। अब जैसे कुमार और क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम जैसे अनुज कुमार है और दूसरे नंबर पे डेटा है जरीन खातून है, तो इन दोनों का जो है ईमेल आईडी क्या है, एक ही है, तो क्या करेंगे इन दोनों को? क्या होगा, रो स्पैन होगा या कॉल स्पैन होगा, कोई बताइए। एक ही आईडी हम दे देंगे, ईमेल आईडी एक ही चाहते हैं। देखिए दोनों को मर्ज करेंगे तो आईडी हो, ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी एक हो। तू यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? रोज पेन कहाँ पर होगा? बता दो। कॉलर्स पेन होगा। हाँ रोज पेन कहाँ पर डालेंगे? जैसे कि यहाँ पर क्या है ना, नंबर डालेंगे। करके बता दो तौसीफ। ईमेल आईडी पर करेंगे, ठीक है? डिटेल में अभी बिल्कुल रो स्पैन होगा, कॉल स्पैन नहीं होगा। सही, एक रो स्पैन होगा, लेकिन आईडी पर करेंगे, पहले के ईमेल आईडी पर करेंगे। ईमेल आईडी हम बता देंगे, हां तो यहीं पर कर देंगे। ये आईडी के कोडिंग स्पेस रो स्पैन इसका टू कर देंगे। तो अनुज कुमार आजरीन का दोनों का ईमेल आईडी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाली पे करना होगा तो दोनों हो जाएंगे। हाँ फर्स्ट वाले पे करेंगे। सेकंड वाला जहाँ पर ईमेल आईडी वाला हटा देंगे। कितना डाटा हो जाएगा? जैसे कि पांच डाटा कैसे
तीसरा रूम तीसरा में रूम में पांच आता है। पहला नंबर 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 या नंबर फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर। लेकिन चौथा चौथा रो होगा उसमें क्या होगा सीरियल नंबर सीरियल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी ईमेल आईडी उसके नहीं डालेंगे ईमेल आईडी लेगा पहले वाला से ले लेगा। यहां तक किया कांटेक्ट नंबर के लिए भी ऐसी होगा ना कॉन्टेक्ट नंबर मार्क करना होगा तो फर्स्ट से रिसीव करते देखिए हम फर्स्ट वाला भी करते हैं यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर में करते हैं यहां पर ही करते रो करते रो स्कैन लास्ट वाला जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर क्या करते हटा देते हैं हटा देते हैं यहां पे जो कॉन्टेक्ट नंबर है टीडी ये कॉन्टेक्ट नंबर क्या करेंगे हटा देंगे हटा देंगे। सर बॉर्डर पे कलर कैसे डालेंगे टेबल का टेबल का जो बॉर्डर टाइप डालेंगे वुड वुड बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग के कोडिंग ही रहेगा जो जो टेबल के बॉर्डर का कलर कोडिंग के कोडिंग ही रहेगा ऐसे अलग नहीं डाल सकते बॉडी कलर टेबल काम अलग के कैसे कलर डाल सकते हैं मतलब टेबल टेबल के अंदर में जो कलर है आप चाहते हैं देखिए नाम है नाम का कलर चेंज हो जाए यहां पर फॉन्ट करके यूज करेंगे यहां पर यूज कर सकते थे यूज कर सकते थे फॉन्ट के अंदर में फॉन्ट टेबल के अंदर देते हैं फॉन्ट कर देते हैं फॉन्ट फिर देखिए यहां पर कलर यहां पर कलर करना रहता तो कर देखते हैं कलर कलर इसका तो हम चाहते हैं कैसे हैं हो? ये कैसे हो येलो में हो येलो में हो अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे फोन को बंद करेंगे बंद करेंगे जहां पर नाम लिखते हैं उसका फोन कर क्या होगा चेंज हो जाएगा सर जैसे हमें इमेज लानी है इसमें मतलब बॉर्डर कलर पे तो ला सकते हैं ना बॉर्डर पे इमेज 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 शेयर के अंदर इमेज कोई सी भी हो इमेज इमेज कोई भी हो वो शेयर के अंदर में हम डाल सकते हैं। अगर इसी में हमको एक कार्ड बनाना है बनाना है इमेज के लिए इमेज के लिए भी कर सकते हैं इमेज आ जाएगा टेबल के अंदर टेबल के अंदर में लेकिन हम बॉर्डर पर बॉर्डर पर इमेज डालना चाहते हैं तो बॉर्डर पर नहीं आएगा जैसे कि वो कोई इमेज को लगाना होता है कैसे डालेंगे अगर हमको कोई इमेज ही लगाना होता है किसी होता में किसी एक चीज देखो आर देखो एक एक आर कौन एक आर कौन ऐड कर लेते हैं डाल सकते हैं इसके अंदर में एक इमेज इमेज टैग अगर हम उसी पे क्लिक से भी चाहिए अगर हम फर्स्ट में इमेज डालना चाहते हैं या दूसरा में अलग इमेज डालना में पहला में पहला में डालना में डालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं यहां पर लिखेंगे आईएमजी आईएमजी इस बार से एसआरसी लिखेंगे इमेज का इमेज का अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इमेज के अकॉर्डिंग
जाम जाम फायर से पति वहां वहां डाल सकते हैं, मतलब मेरा देखिए एस्टिमेट के पेज यहां पर सेफ्टी हुए हैं, एक फोल्डर में है तो हम यहां से इमेज है तो हम यहां से नाम से डाल सकते हैं, नाम से डाल सकते हैं, क्या करेंगे डायरेक्ट हम नाम से डालेंगे, इमेज का जो नाम है वो नाम उसका एक्सटेंशन नाम से डाल, यहां पर ए बना हुआ है ए डॉट जेपीजी, ए बना हुआ है ए डॉट जेपीजी, यहाँ पे आ गया ए डॉट जेपीजी है, डॉट जेपीजी ये कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डॉट क्या लिखेंगे ए डॉट जेपीजी, जेपीजी फिर सरे इमेज को बंद कर देंगे, इमेज को बंद कर देंगे, फिर सरे टीडी इस टेबल में एक चीज इस टेबल में एक चीज ध्यान देखा जहां इमेज लेते हैं, मतलब इमेज कमरे से लेकिन से अभी हाई अभी इसको हम नोट नहीं कर रहे हैं, तो इमेज जहां पर आता है इमेज जहां पर आता है बाय डिफॉल्ट जितना इमेज का साइज होगा वो इमेज का साइज उतना आ जाएगा, साइज उतना आ जाएगा, अरे इमेज का साइज ज्यादा, अरे इमेज का साइज ज्यादा, हम चाहते हैं कि इमेज का साइज कम है, इमेज का साइज कम है क्या कर देंगे विड्थ डाल देंगे, इमेज का साइज कितना हो जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, आ गया इमेज का साइज छोटा, आ गया इमेज का साइज छोटा, इसी तरह दूसरा टेबल में दूसरा टेबल में डाल सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं, इसी तरह दूसरा में डालना है, दूसरा में डालना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कितना टीडी जैसे कि ए बी डाल रहे हैं, ए बी डॉट डॉट जेपीजी फिशरेस एबी के नाम से कोई इमेज देना है, तब इस कंडीशन में जहां रन करवाएंगे इमेज तो आएगा लेकिन कटा हुआ आएगा, इमेज यहां पर है ही नहीं, हम चाहते कि ये इमेज ना हो, उसके लिए इसका नाम शो करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अर्थ डाल सकते हैं, अर्थ जब डाल देंगे तो अर्थ में क्या होगा, अर्थ में क्या होगा, जान मिल जाए तो क्या जगह भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, या हम चाहते कि इमेज क्यों अर्थ ड्राइव से हम रहे, जैसे कि हम एफ ड्राइव के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर में मेरा इमेज है, ड्राइव के अंदर में इमेज है, वहां से इमेज लेना है, हेम ड्राइव से नहीं, देखिए हम ये B1 by इमेज यहां डाल दीजिए, यहां पर क्लिक किए प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अब यहाँ पर लेने के हमें करने के पूरे लोकेशन को उठाएंगे, लोकेशन जहाँ उठाएंगे कॉपी करें लोकेशन, फिर ये लोकेशन यहाँ पर डालेंगे, अंदर में यहाँ पर लोकेशन डालेंगे कंट्रोल बी, फिर क्या करेंगे सरेश, अब इमेज का नाम, इमेज का नाम क्या था जो इमेज का नाम होगा वो कॉपी करेंगे, उसका एक्सटेंशन को डाल देंगे, कंट्रोल बी फिर उसका एक्सटेंशन डॉट जेपीजी,
अब इसके बाद सेव कर दिए। इसमें क्या हुआ कि अगर हम हाइट विड्थ में जाते हैं तो ये क्या होगा, इमेज जो होगा वो बड़ा ककर दिख जाएगा आ रहा है इमेज अब हम चाहते हैं कि इमेज क्या छोटा हो, यहाँ पर क्या डाल देंगे, विड्थ डाल देंगे, विड्थ इसका 2 100 इमेज छोटा में आ गया इसी तरीके का हार्ट को भी कम करना है तो हार्ट भी कम कर सकते हैं। हार्ट के लिए लिखेंगे हार्ट जितना शायद काम को कम करना है उतना शायद काम हार्ट का काम कम कर सकते हैं कम किया इसी में अगर हाइट आप हाइट बढ़ा सकते हैं तो समझ में आया कैसे बनाते हैं। यस सर तो तुम लोग को इसी टाइप में एक असाइनमेंट बनाना है सर आप ये टेबल बॉर्डर 2 क्यों लेते हैं, बॉर्डर 2 इसलिए लेते हैं मतलब इसकी जो विड्थ है लंबाई है यहां पर दिखा दिया ये बैकग्राउंड हटाने पर बन जाएगा ये जो लंबाई मोटाई है व्हाइट व्हाइट जो दिखा दिया है बॉक्स के अकॉर्डिंग ब्रेक के साथ इसके मोटाई को दिखाने के लिए हम खोल रहे हैं मतलब इसका विड्थ जो होगा बॉर्डर का विड्थ कितना होगा 2 पिक्सल यहां पर 3 कर देंगे 3 कर देंगे पिक्सल के अकॉर्डिंग होता अगर 1 कर देते हैं तब 1 लेंगे तो जैसे नॉर्मल टेबल होता है वैसे दिखाएगा। हां हां तो इसका थोड़ा सा कम जाएगा विड्थ जो पैर जो था पिक्चर का ये कम गया पर इसमें साइड में भी हल्का था इसी तरह हमको टेबल को राइट टेबल की शेप भी तो चेंज कर कैसे टेबल की शेप मतलब अलग अलग शेप में आती है ना टेबल वो टेबल वाला जो शेप होगा तो शेप होगा तो वो शेप चेंज नहीं होगा उसका जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हैं मतलब कि टेबल तो जब भी होगा वो रेक्टेंगल टाइप का होगा ना सर। ये आएगा ऐसे 2 लाइंस में ही आएगा मतलब अगर हम सिंगल 1 भी लें या 2 भी लें आएगा ऐसे ही। हां 2 में लेंगे तो में जो होता है इसकी थोड़ा सा साइड में वो बढ़ जाता है टूरिए मतलब वो थोड़ा फिल हो जाता है ना उसमें। हां टूरिए ने से मोटाई से बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है तो बॉर्डर यहां पर देखो बॉर्डर का क्या होगा वो बढ़ जाएगा सर। एक डार्क हो गया और एक लाइट है लाइट अंदर का है ना लेकिन बॉर्डर जो है बॉर्डर जो है बॉर्डर वो बढ़ गया ओके सर। आज जब उसमें जीरो कर देंगे बॉर्डर नहीं या बॉर्डर नहीं डालेंगे तो टेबल दिखेगा ही नहीं बॉर्डर इसी तरह तुम लोगों को तो एक बनाना कांटेक्ट नंबर स्टार्ट में क्या बनाना है कि बना नहीं वो तो बता दिए अब क्या करना है तुम लोगों को देखिए यहां पर सीरियल नंबर लिखिए सीरियल नंबर क्या करना है
टेबल के जो कलर है उसको ब्लू कर देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अब यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर लिखना मिडिल और ये नेम कोडिंग क्या करना है सबको मर्ज करके बनाना है। कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट में ऊपर इमेज होना चाहिए। और टेक यू करेंगे इधर इमेज इमेज जो इमेज होगा जो कैसे करेंगे पूरे टेबल के कोडिंग सेंटर में डाल देंगे अगर हम थ्योरी लिखेंगे इमेज के लिए तो हम फाइल का नेम तो कुछ भी डाल सकते हैं ना क्योंकि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हाँ कुछ भी डाल देंगे फायर में दो तरह के बताए हैं तो अगर जेनेरिक कोडिंग हो तो फायर का इमेज के नाम डाल देंगे जैसे कि यहाँ पर इमेज लिखे थे एसआरसी फायर का नाम डाल दिए थे। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट हम फायर का नाम डाल देंगे या अगर प्रैक्टिकल में रहेगा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे जहाँ पर वो इमेज को वहाँ से कॉपी करके सिम ड्राइव में डाल देंगे सिम जगह पर आकर फिर नाम लिख देंगे अदरवाइज जहाँ से होगा ना पूरा पाग उठाएंगे जैसे कि पूरा पाग उठा था वहाँ पर से ओके। और भी कोई दिक्कत जो समझ में आया हो सर आपने जो इमेज सर आपने जो सेंटर में इमेज लिखी है तो वो उसमें जो है ना विद की जगह पर हम सेंटर में अलाइन लिखेंगे ना अलाइन सेंटर हाँ अलाइन सेंटर कर देंगे टीडी के अंदर में जाकर कर देंगे तो वो शेयर सेंटर में आ जाएगा अगर ये सब को डाटा को सेंटर में करना है क्या करेंगे सब सेंटर में आ जाएगा। और सर जो इंटरनल बॉर्डर है उसको कलर नहीं दे सकते तब ये टेबल का जो बॉर्डर का कलर होगा वो क्या हो जाएगा व्हाइट वो रेड हो जाएगा लेकिन ये जो ब्रेक है तो ब्रेक है तो ब्रेक रहेगा सर इसमें वर्टिकल भी बता दीजिए वी अलाइनमेंट टॉप बॉटम वो नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे फिर असाइनमेंट कर लो टेबल में आर में आर भी दो चीज छूटा हुआ है नेक्स्ट में टेबल बता देंगे टेबल का डाटा को टेबल के अंदर करते हैं अभी क्या बताती क्या एंट्री दो ही करनी है इसमें
नहीं कम से कम 10 इंटी करना है, वो तो फॉर्मेट बता दिए हैं, लेकिन 10 इंटी करना है। सर इमेज तो फुल में ही लेनी पड़ेगी ना, आपने मर्ज किया हुआ इमेज को। इमेज यहाँ पर ना, यहाँ पर हेडिंग जो बना रहे हैं तो इमेज अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, लेकिन जहाँ पर डाटा डालेंगे अकॉर्डिंग डेटा में क्या करेंगे, डेटा में अलग अलग जा रहा है, देखिए अलग अलग इमेज है, जरीना इमेज अलग है, तो सर कि हम भी डिफरेंट डिफरेंट इमेज डालेंगे। हाँ हाँ नहीं मुझे लगा पूरे मतलब एक सेक्शन का पूरा इमेज एक ही डालेंगे पूरे उसमें। नहीं नहीं ठीक है सर। एक सेक्शन बनाना ठीक है, आज के लिए इतना ही है, इसको आप मेल कीजिएगा, फोटो पे कोडिंग करके आप उसको फोटोस क्लिक करके आप मेल कर दीजिएगा। ओके सर, ओके सर, ओके, लव यू, लव यू।